खामोशिया बेचैनिया नादानिया आ गया पकैक पकैक। मैं भी आ गया, खाने की तैयारी कर ले पप्पू। सब्जियाँ आ गई हैं। सारी सब्जी ले आए ना? सारी सब्जी ले आया हूँ। हाँ। ये देख। पर ये क्या, सिर्फ सब्जी? प्याज कहाँ है? प्याज? हाँ। औकात देखी अपनी? क्या कहा? ये दुकानदार ने मुझसे कहा जब मैंने उससे प्याज का भाव पूछा था। भाई मैंने कितनी बार कहा है, जब भी खरीदारी करने जाया करो ना, चेहरा छुपा कर जाया करो। जरूर दुकानदार ने पहचान लिया होगा, इसलिए इंसल्ट कर दी तुम्हारी। अबे यार प्याज बहुत महंगा हो गया है चांदनी, आम आदमी तो खरीद नहीं सकता भाई। अरे तो फिर बिन प्याज के मैं चिकन दो प्याजा कैसे बनाऊंगी? भाभी आप चिंता मत कीजिए, आज हम चिकन दो प्याजा ही खाएंगे। कैसे? कैसे? आपका एक कंगन मुझे दे दो, मैं इस कंगन को बेच के कम से कम 2 किलो प्याज ले आऊंगा। 2 किलो प्याज? लेकिन 2 प्याजा चाहिए ना अपने को, 2 ही प्याज चाहिए होंगे। भाभी ज्यादा मत सोचो, अगर चिकन 2 प्याजा खाना है ना तो कंगन का मोह तो छोड़ना ही होगा। हाँ भाई दे दो। ठीक है पप्पू। हाँ दिले पत्थर रख लो। चढ़ा पप्पू, ये मेरी मम्मी के दिए हुए कंगन है, मैं कंगन बेच के प्याज नहीं खरीद सकती। अब हमने फैसला कर लिया है, क्या? हम चिकन बिन प्याजा खाएंगे। लो चिकन बिन प्याजा, वो भी इनके हाथ का। यार ये प्याज काटो तब रुलाते हैं और ना काटो तब भी रुलाते हैं। ओहो क्या होगा इस देश का। हाँ बताओ कैसे कैसे लोग सिंगर बन जाते हैं यहाँ पे। अरे मैं देश की कंडीशंस की बात कर रही हूँ। क्यों क्या हो गया देश की कंडीशन को? हर जगह इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो चांदनी, तुम हिम्मत रखो, टटी रहो अपनी जगह पे। क्या हो रहा है भाई? मोनू निगम आया है। मोनू निगम आ रहा है हमारे घर पे, आपने बताया तक नहीं। हमारे घर पर नहीं, टीवी पे आ रहा देखना यार। तुम दोनों यहाँ मिलकर टीवी देखो, यहाँ मेरी जॉब हाथ से जा रही है। अरे तुम टेंशन मत लो ना चांदनी, ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है, किसी भी गरीब और बेसहारे को कभी भूखा नहीं सोने देता है ना भाई। नंदू मैं गरीब और बेसहारा नहीं हूँ। डोंट फील बैड चांदनी, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। जस्ट शट अप नंदू। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा था यार। ये कोई मजाक का टाइम है? हर जगह डाउनसाइजिंग चल रही है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरी भी नई नई जॉब लगी है, अगर ये जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई तो। अरे यार अब तो मुझे टेंशन हो गई चंदू कसम से। क्यों भाई तुम्हारी कंपनी में भी डाउनसाइजिंग चल रही है क्या? तो चुप बैठ कर टीवी देख चल। भाई मुझे मौका कब मिलेगा काम करने का, नौकरी पे जाने का? नहीं भाई टीवी पे आने का। इस चेहरे पे तो कहीं मौका नहीं मिलेगा तुझे टीवी पे आने का। तो किस चेहरे पे मिलेगा? इस चेहरे पे मिल सकता है। अच्छा तो ठीक है भाई, तुम्हारा चेहरा उधार ले लूंगा। मैं क्या करूंगा बिना चेहरे का? हा? वैसे भी तुम इस सड़ियल चेहरे के साथ करते क्या हो? खाना खाता हूँ समझा, और क्या क्या करता हूँ भाभी से पूछ ले। थप्पड़ का प्लेटफॉर्म भी है पप्पू। कौन से नंबर का? जस्ट शट अप नंदू, मैं किन बेवकूफों के बीच में फंस गई? क्यों तुम्हारे ऑफिस में कोई भी सेंसिबल आदमी काम नहीं करता है क्या? अरे मैं ऑफिस की नहीं तुम दोनों की बात कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे यार छोटी छोटी बातों पे यार घर छोड़ के मत जाया करो चांदनी तुम। मैं ऑफिस जा रही हूँ। भगवान बाय भाभी। बाय बाय चंदू, टेक केयर। बाय केले ले आना, 6 खत्म हो जाएंगे शाम तक यार ये। भाई हम अमीर कब बनेंगे? जिस दिन चांदनी का प्रमोशन होगा पगले, यही एक लास्ट तरीका है हमारे अमीर बनने का यार। भाई फिर तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से भाभी का प्रमोशन हो जाए। हे भगवान मेरी भाभी का प्रमोशन करा दो। भगवान जी की जय। नमस्ते करो। हाँ आप नमस्ते। आप नहीं मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपको नमस्ते करें। नमस्ते। हाँ हाँ देखिए माफ कीजिए। हाँ आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं माफी मांग नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ माफ कीजिए वो मेरे पास खुले नहीं है। आपको कितने का खुले चाहिए? अंकल आपकी प्रॉब्लम क्या है? बेटा मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ। अंकल आप मांगने वालियों को कहाँ साथ ले जाना चाह रहे हैं? ये मांगने वाली नहीं है, ये देने वाली है। क्या मतलब? ये मेरी बीवियाँ हैं। क्या इतनी सारी? अरे भाई इनमें 2 बीवियाँ हैं और 1 भांजी और बाकी बच्चे। हाँ बच्चों का तो समझ में आया, लेकिन इनमें से आपकी भांजी कौन है और बीवियाँ कौन है आपको नहीं पता? अरे भाई कैसे पता चलेगा, इनकी शक्लें कितनी मिलती जुलती हैं। ओहो व्हाटएवर, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी हमारे घर में बहुत चूहे हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ चूहे पकड़ रहे हैं? नहीं नहीं हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि हमें कुत्तों से डर लगता है। कंफ्यूज मत कीजिए अंकल, अभी आपने कहा कि आपके घर में चूहे हैं,
हाँ हाँ, घर में चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली छोड़ी है और बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ते। क्या? ओ गॉड, इसका मतलब जब तक आप चूहे नहीं पकड़ लेते आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे हैं? नहीं नहीं नहीं, जब तक कुत्ते नहीं जाते तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। अंकल आप एक काम कीजिए, आप किसी नेबर के घर क्यों नहीं चले जाते? वेरी गुड आइडिया बेटा, वेरी गुड आइडिया, हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जाऊँ? कहाँ? जहन्नुम में। क्या कुत्ते पकड़ने? अंकल मैं आपकी भतीजी और बीवियों का लिहाज कर रही हूँ, ना बहुत इंसल्ट करती। नंदू, क्या हुआ चंदू? नंदू एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुमने मुझे मेरी बच्चे की खबर सुना दी। नी बड़ी हो गई है, देखो तो इसे। और जस्ट शट अप, मैं अपने प्रमोशन की बात कर रही हूँ। ये कौन है, कहाँ से लाई इसे? ये मुझे नहीं पता, अब तुम इसे छोड़ो। मुझे तो लगा था आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है, बट आई गॉट प्रमोशन। एक तो भगवान का चमत्कार है। वो चमत्कार मेरा ही है। वो बच्चा आजा। चाचा ढोलक, आप यहाँ? अरे भाई मेरा नाम भगवान है, भगवान क्यों बार बार भूल जाते हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। क्यों, क्या हुआ हमारे टीवी को? कुछ नहीं, ये चल रहा था, हम देख रहे थे। नंदू नंदू, ये सब पूरा परिवार यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं अंदर था। नंदू तुम भी ना, सुनिए आप लोग, विदाउट परमिशन आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? हाँ? अबे तुम्हीं तो कहा था कि नेबर के यहाँ चले जाओ, तो हम आ गए। नेबर? पर हम आपके नेबर कैसे हुए? आप इस सोसाइटी के ये ब्लॉक में रहते हैं, मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, तो हो गए ना हम नेबर आपके। अरे परेशान ना हो, कल तक की तो बात है। कल तक की? देखिए देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग चलिए, निकलिए घर से बाहर, चलिए। अरे हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? मेहमान की कोई इज्जत है कि नहीं? आखिर मेहमान भगवान होता है। भगवान? आप कौन है? मैं भगवान की बीवी। देखिए। थैंक यू। अरे मैं टीवी देखने की नहीं बोल रहा हूँ आपको। हाय हाय, तो किसे देखो? मुझे देखो, मुझे देखो। नंदू मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी। देखिए मैं बार बार कुछ सुनने वाली हूँ नहीं, और ये फॉर्मेलिटी छोड़िए, जाइए बिरयानी बनाइए। बिरयानी? हाय हाय, बनानी नहीं आती? चलो मैं सिखा देती हूँ। सुनो जी, मैं नहाने जा रहा हूँ, जरा टॉवल निकाल देना। जी स्वामी। अरे पानी कहाँ आ रहा है घर में? और मुझे पीना नहीं है। अरे तो नहाओगे कैसे? खामोशियाँ बेचैनियाँ रादानियाँ।